हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा साइको का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो जिसका नाम है वॉच टेबल टेस्ट। फ्रेंड्स, इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बेसिक कुछ बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ये क्या है, क्लॉक है मान लीजिए, इसमें आपको डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूरब और वेस्ट, पश्चिम। अब इसमें फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन में अगर वार्म अप व्रत रहता है तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन में रहेगा दक्षिणा व्रत, तो इससे समझिएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके फ्रेंड्स, अगर कहे बाएं कहता है फ्रेंड्स, तो बाएं का मतलब क्या होता है? बाएं का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग। जब भी कहेगा कि मान लीजिए यहाँ डी है, डी के बाएं बोल रहा है, तो बाएं हम लोग किधर जाएंगे? एंटी क्लॉक किधर होता है? इधर। इस साइड हम लोग क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। और अगर दाएं कहे तो दाएं हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है? दाएं क्लॉकवाइज हो गया और बाएं क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज को लोग क्या करते हैं? वामा व्रत कहते हैं, क्लॉकवाइज को दक्षिणा व्रत कहते हैं। एंटी क्लॉक बाएं अगर कह रहा जाने के लिए तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दाएं कहेगा तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है? अब चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। पहला देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है? क्वेश्चन ये फर्स्ट है, ठीक है? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। देखिए क्या बोल रहा है, D1 को अगर हम Q2 से बदल दें, D1 को Q2 से बदल दें तो उत्तर किधर है? इधर, इधर है उत्तर। तो उत्तर की ओर कौन सा अंक होगा, आपसे क्या पूछ रहा, अंक कौन सा होगा? Q2 क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो यहां अगर Q2 आ गया तो अंक क्या है? 2 है। इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? 2 आंसर हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, P5 को M4 से बदलने पर, P5 क्या कह रहा है? P5 को M4, P5 को हम क्या करते हैं? M4 से बदलते हैं, ठीक है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच कौन का अंक क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला। यहाँ पे कौन सा अंक होगा? जब इसको M4 इधर चला गया, तो M4 अगर यहाँ चला गया तो कौन सा अंक हो गया? 4 हो गया। इसका क्या आंसर हो गया फ्रेंड्स? सेकंड का हो गया 4 आंसर हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, C2, Q2 एंड N3 से मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं। देखिए क्या कह रहा है, C2, Q2, यहां C2 से Q2 और फिर N3 मिला दिए, मिल गया ना, एक ट्रायंगल बना। अब पूछ रहा है फ्रेंड्स, बनाए तो बताएं कि इस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है इस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स, जो दो साइड इक्वल होता है ना, उस पॉइंट पर टच होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष कहते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये साइड देखिए और ये साइड देखिए, इसके बीच में 2 आ रहा है, इसके बीच में 2 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला साइड C2 से Q2 और C2 से N3 क्या है? आपस में बराबर है। और ये दोनों साइड कहाँ जाके मिल रहा है? C2 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अंक होगा? तो 2 अंक हो जाएगा। समझ आया? चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, N3 और Q2 के बीच, N3 और Q2 के बीच के और D1 और T3 के बीच, D1 कहाँ है फ्रेंड्स? D1 और T3 के, मतलब ये C2 और यहाँ G1 का बात कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? के बीच के अक्षर से बदलने पर, क्या कर रहा है? अक्षर को बदलने कर रहा है, मतलब सी है, सी इधर आ जाएगा, C1 हो जाएगा और ये क्या हो गया? G2 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, बदलने पर, अक्षर से बदलने पर उत्तर और पूर्व के बीच का अंक कौन सा होगा? उत्तर पूर्व कौन सा हो गया फ्रेंड्स? उत्तर और पूर्व के बीच क्या आ गया? ये आ गया। उत्तर पूर्व के बीच का अंक कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग क्या बदले हैं? हम लोग अक्षर को बदले हैं, अंक को नहीं बदले हैं, तो अंक तो वही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चौथा का क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, M4 को P5 से बदलने पर, M4 को हम क्या कर रहे हैं? M4 को P5 से बदल रहे हैं, ठीक है? पूरब और दक्षिण के बीच का अंक कौन सा होगा? पूरब और दक्षिण ये हो गया, के बीच का अंक कौन सा होगा? M4 को किससे बदल रहे हैं? P5 से, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे P5 आ जाएगा, तो P5 का अंक क्या है? 5 है, तो 5 लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, N3 को T3 से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा? N3 देखिए कहाँ है, N3 को T3 से बदलने पर, बदल दिए ये दोनों को, बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा? तो T3 क्या आ गया फ्रेंड्स? T3 यहाँ आ गया, N3 उधर चला गया, तो यहाँ पे अंक कौन सा आ गया? पश्चिम में 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। सातवां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर
D1 को Q2 से, D1 को क्या किए Q2 से बदले, फिर N3 को T3 से, N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा होगा, उत्तर क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ हो गया तो Q2 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ Q2 आ गया ना, तो आम क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, P5 को G1 से, P5 को G1 से फ्रेंड्स, P5 कहाँ है, P5 है यहाँ, P5 को G1 से, मींस यहाँ क्या आ गया आपका G1 आ गया और यहाँ क्या आ गया, यहाँ P5 आ गया। C2 को M4 से बदलने पर, C2 को क्या, यहाँ M4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा C2 बदलने पर। उत्तर और पूरब के बीच का अंक कौन सा होगा, उत्तर और पूरब के बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया फ्रेंड्स M4 आ गया, इसका अंक क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो गया आठवां का 4 आंसर हो गया। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, G1 से M4 घड़ी के विपरीत दिशा में, G1 से M4 देखिए मतलब विपरीत दिशा क्या हो गया, एंटी क्लॉक मीन्स इस साइड चल रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में चलने पर बीच के अक्षर का अंक कौन सा होगा, तो G1 से M4 चल रहा है, इधर चल रहा है तो बीच का अक्षर क्या है Q2 है, ठीक है, बीच का अक्षर का अंक कौन सा होगा, तो अक्षर के अंक क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 2 हो गया। दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर से फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़िए वैसे वैसे बनाते जाइए आपका आंसर निकल जाएगा। उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर, देखिए उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलने पर, उत्तर से दक्षिण चला ठीक है Q2 तक गया, चलने पर बीच का अंक कौन सा होगा, देखिए उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो बीच का अंक क्या आ रहा है T3 आ रहा है, तो अंक क्या हो गया 3 हो गया, 10 का क्या हो गया आंसर 3 इज द राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और अभ्यास करते हैं, 10 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, 10 मिनट मिलता है, 5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, अगला एक और टेस्ट मैं लेता हूँ ठीक है, जिसमें और 10 क्वेश्चन को डील करूंगा फ्रेंड्स, और 10 क्वेश्चन को देखते हैं ठीक है, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गया ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप दूसरा एक और अभ्यास कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा आप देखिएगा, आपको फिगर भी रहेगा, मैं सुविधा के लिए आपको फिगर बता दिया हूँ, बना भी दिया हूँ जिससे आपको समझ में भी आया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर से पूरब तक पहुंचे, उत्तर से पूरब तक पहुंचे, पहुंचे इधर पहला अंक कौन सा होगा, उसके बाद उत्तर से पूरब की ओर जा रहे हैं उसके बाद पहला अंक क्या हो रहा है, कौन सा हो रहा है 3 हो रहा है, तो 3 इज द राइट आंसर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, T2 को N3 से एक्सचेंज करने पर, T2 को हम क्या करते हैं N3 से एक्सचेंज करते हैं, T2 को N3 मींस N3 यहां आ गया T2 यहां आ गया ओके, पर उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा, अगर N3 हो जाएगा क्योंकि एक्सचेंज किया तो क्या आ गया 3 हो गया इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर, उत्तर को हम क्या किया दक्षिण कर दिया, उत्तर यहां कर दीजिए ठीक है, टोटल एक्सचेंज कर दिया ठीक है, उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर K2 के सामने के बाएं पहला अंक कौन सा होगा, देखिए K2 के सामने G4 आ गया के बाएं पहला, अच्छा बाएं क्या बोलते हैं, बाएं में हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉक जाते हैं, यहाँ गए तो क्या हो गया कौन सा अक्षर आ गया 5 आ गया, तो 5 इज द राइट आंसर। पांचवा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, T2 G4 और K2 को मिलाते हुए, T2 देखिए T2 फिर बोल रहा है T2 G4 G4 को मिलाइए, G4 और K2 को मिलाते हुए, K2 को मिलाते हुए मिलाएं, पूछ रहा है त्रिभुज निर्माण होता है शीर्ष पर कौन सा अंक है, शीर्ष पूछ रहा है कौन सा अंक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये और ये वाला साइड क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि देखिए बीच में एक ही आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या हो गया T2 K2 और T2 G4 दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो शीर्ष पे क्या हो गया T2 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ऐसे दिखाया जाता है जब भी त्रिभुज आपसे पूछे ना तो इसी तरह आप देखिएगा ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन, N3 G4 और H3 S3 को मिलाएं, ठीक है क्या बोल रहा है N3 G4 और क्या बोला H3 को मिलाएं ठीक है, इसको मिला लीजिए। अब पूछता है कि इस पे शीर्ष पे जो अंक प्राप्त होता है इसके वामावर्त मैंने क्या बताया एंटी क्लॉक बोला था, वामावर्त की ओर पहला अंक कौन सा होगा, तो पहले शीर्ष निकालते हैं फ्रेंड, तो शीर्ष निकालने के लिए देखिए N3 G4 और N3 H3 क्या है बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए इसमें 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है ठीक है, 2 अंक आ रहा है इसमें भी 2 अंक आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो इसका शीर्ष क्या हो गया N3 हो गया। अब क्या बोल रहा है वामावर्त पहला अक्षर, तो वामावर्त क्या होता है एंटी क्लॉक होता है, वामावर्त जाएंगे तो पहला अक्षर क्या आ गया T2 आ गया, T2 का अंक क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज चले, कौन सा अंक एक दूसरे से मिलता जुलता है,
उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज चले कौन सा अंक आपस में मिलता जुलता है, एन थ्री और एच थ्री मिलता जुलता है, उन अंक के बीच सबसे छोटा अंक कौन सा है। देखिए कौन सा अंक मिलता जुलता है, एन थ्री और एच थ्री मिलता जुलता है, ठीक है, इसके बीच में कौन सा अंक छोटा है, तो टू छोटा है, सोलह क्या हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टी टू को जी फोर से, टी टू को क्या करना है, जी फोर से मिलाना है, मिला दिए। अब क्या बोल रहे हैं, के टू को एस थ्री से मिलाना, के टू को एस थ्री से मिला, मिला दिए, मिला दीजिए सर, एक तरह से स्क्वायर या कहें तो ट्रैपीजियम बन गया, ठीक है, तो मिला दिए। मिलाते हुए ऐसा निर्माण होता है, तो टी टू के दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा होगा, टी टू के दक्षिणावर्त, मैंने क्या बताया था फ्रेंड, टी टू के दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त किसको कहते हैं, क्लॉकवाइज को कहते हैं, टी टू के दक्षिणावर्त चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो किधर हो गया, इस साइड चलेंगे, ठीक है, टी टू के दक्षिणावर्त इधर हो गया, एक दो तीन, तीसरा अंक क्या हो गया, चार हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 17 का, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन पे, पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पर पश्चिम के बाएं, पश्चिम है यहाँ पे फ्रेंड्स, पश्चिम के बाएं, बाएं मैंने क्या कहा था, एंटी क्लॉक चलेंगे, पश्चिम के बाएं क्या हो गया, इधर जी फोर हो गया, पश्चिम के बाएं पहला पहला अंक कौन सा होगा, देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम के बाएं पहला अंक है तो जी फोर है, लेकिन जी फोर किसके साथ एक्सचेंज करें, के टू के साथ, तो के टू यहाँ अगर आ जाएगा तो पहला अंक क्या हो गया, टू हो गया, तो 18 क्या आंसर हो गया फ्रेंड्स, टू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे, जी फोर को के टू के अक्षर से एक्सचेंज करने पर दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा, दक्षिण, दक्षिण ये हो गया फ्रेंड्स के दाएं, दाएं के लिए हम क्या करते हैं, दाएं जाने के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं, दक्षिण के दाएं इधर चले गए, तो पहला अक्षर क्या हो गया, टू हो गया, तो टू इज द राइट आंसर 19 का भी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सभी अक्षर को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पर, सभी अक्षर को आपस में एक्सचेंज कर दिया अपोजिट में, ठीक है, डी के दाएं कौन सा अंक होगा, डी के दाएं, डी कहां है फ्रेंड्स, डी ए है, दाएं जाने के लिए क्या बोला था मैंने दाएं क्लॉकवाइज जाते हैं, मींस इस साइड जाएंगे, डी के दाएं कौन सा अंक होगा, डी के दाएं कौन सा अंक होगा, टी टू है, टी टू किसके सामने बदलेगा, एस थ्री से, यहाँ क्या आ गया, एस थ्री आ गया, थ्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो गया, थ्री हो गया राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके वास्ट टेबल टेस्ट में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर, ये सिलेबस आपके साइको के आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि आपके लिए मैं एएलपी साइको के पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। थैंक यू।